क्या बात है, मेरी गाड़ी को आपने क्यों रुकवाया? शराब पी रखी है तुमने? हाँ पी रखी है, अपने पैसे से पीती हूँ मैं। बोल क्या प्रॉब्लम है आपको? और अभी तो आपके सामने एक पैग और लगाऊंगी। बदतमीज, समझ नहीं है तुम्हें? हमारे सामने शराब पी रही हो, बेशरम कहीं की। ओफो सासू माँ, हमेशा नाक पे ना आपके गुस्सा धरा रहता है। मेरी चढ़ी हुई भी उतार दी, दोबारा चढ़ानी पड़ेगी। इतनी बेशरम है, अब भी मारू पे? दूर रखो मुझसे। ओफो सासू माँ, यूं मत किया करो, आपको पता है कितनी कीमती है ये। अब आप ये एक बात मुझे सीधा सीधा बताओ, कि आपने मेरी गाड़ी को क्यों रुकवाया? तुम्हारी गाड़ी के चुपचाप कागज दिखाओ, फिर जाना जहाँ जाना है। क्या कागज दिखाओ? आप अपनी बहू की गाड़ी के कागज चेक करोगे? नहीं है मेरे पास कोई कागज वागज। हाँ तुम इस वक्त मेरी बहू नहीं हो, बहू हो घर पे। तो फिर ठीक है इंस्पेक्टर साहिबा, मेरे पास गाड़ी के कागज वागज नहीं है। गाड़ी के कागज नहीं है ना, तो तुम्हारी गाड़ी बाउंड होगी। और चलो पैदल। क्या कहा, आप मेरी गाड़ी बाउंड करोगे? हाँ, तुम क्या मंत्री हो कोई? कलेक्टर लगी हो क्या जिले की? तो तुम्हारी गाड़ी के कागज चेक नहीं होगे, बाउंड नहीं होगी। हवलदार, इसकी गाड़ी को बाउंड करो। अरे रुक जा हवलदार। ओफो सासू डार्लिंग, आप भी ना हद करती हो। बस गाड़ी के कागज, इतनी छोटी सी बात पे आप अपनी बहू की गाड़ी बाउंड करोगे? चुप, दूर आके बात करो मुझसे, इतनी बदबू आ रही है। एक काम करो सासू डार्लिंग, एक पैग आप भी मार लो, फिर आप भी मेरे पास होके दूर रखो मुझसे, वरना एक कान के नीचे दूंगी खींच के। ओफो सासू माँ, अरे जाने दो ना मुझे। आपको पता है आज मेरी फ्रेंड का हैप्पी वाला बर्थडे है, हैप्पी वाला। वो और मेरी और सहेलियां ना वेट कर रही हैं, क्योंकि मैं उनके लिए समझ गए ना ड्रिंक लेके जा रही हूँ। अच्छा, एक तो गाड़ी के कागज नहीं, ऊपर से गाड़ी में शराब। आज तो पक्का तेरी गाड़ी बाउंड होगी। हवलदार जी मैम, अभी करो इसकी गाड़ी बाउंड। अरे रुक जाओ, किसकी हिम्मत है जो मेरी यानी कि गुलाबों की गाड़ी बाउंड करेगा? अभी बुलाओ अपने बॉडीगार्ड को, वो गाड़ी में बैठा है, समझ गए तुम? अच्छा, तो तेरे पास बॉडीगार्ड भी है तेरे साथ में? हवलदार जी मैम, अभी लेके आओ इसके बॉडीगार्ड को। अभी लाता हूँ जी। और मैम, दो दो अपराध, एक तो शराब पी रखी है, एक गाड़ी के कागज नहीं दिखा रहे, ऊपर गाड़ी में भी शराब। हाँ अभी लाता हूँ पकड़ के जी। लेके आओ अभी, देखती हूँ तुम्हारा बॉडीगार्ड क्या कर लेगा। अरे देखना देखना सासू डार्लिंग, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। चुप, फिलहाल तो मैं तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगी, समझी? बोलो गुलाबू, क्या हुकुम है, क्यों बुलाया मेरे को? अरे देखो ना, पुलिस ने मेरी गाड़ी को रोका और ऊपर से मेरी गाड़ी के कागज मांग रहे हैं। पुलिस की इतनी हिम्मत कि गुलाबों की गाड़ी को रोक के मैं दिखाता हूँ अपनी पावर। हाँ बदतमीज। अरे मम्मी जी, इतनी जोर से क्यों मारा, प्यार से भी मार सकती थी ना। चुप, जोरू के गुलाम, तेरी बीवी शरेआम शराब पी के घूमती है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, और ऊपर से गाड़ी में शराब भी ले रखी है। अरे सासू डार्लिंग, इन पे क्यों गुस्सा हो रही हो? ये तो बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड, इनकी इंचार्ज तो मैं हूँ, मुझसे बात करो आप। चुप, अभी इसके लगाना है कान के नीचे, ऐसा एक तेरे भी लगाऊंगी। पूरा का पूरा दिमाग तेरा खराब है ना, जो एकदम से ठीक हो जाएगा। अरे सासू माँ, किसको लगाने की बात कर रही हो?
मुझे तो आज तक मेरे माँ बाप ने उंगली तक नहीं की और आप मुझे थप्पड़ मारोगी। हाँ यही तो तुम्हारे माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है ना। तुम्हें अगर बचपन में है खींच के चाटा लगा देते ना तो आज ये सब करती हो ना, ये नहीं करती। ओफो सासू डार्लिंग, क्यों खड़े खड़े आप बबूला हो रही हो? गुस्सा तो आपकी ना नाक पे बैठा रहता है, नाक पे। छोड़ो, ये लो एक पैग मारो और खुश रहो। तू रखो इसे, बेशरम कहीं की, बिल्कुल भी अकल नहीं है। मत पियो, मैं पी लेती हूँ। हरा इसे। ओफो सासू डार्लिंग, अब आप मेरी जान लेके रहोगी क्या? एक काम करते, आप भी परेशान मत हो और मुझे भी परेशान मत करो। मुझे ना अपनी सहेली के हैप्पी वाले बर्थडे पे जाना है, मुझे जाने दो आप। अच्छा तुझे जाने दूं? तुम्हारी गाड़ी के कागज निकालो वरना गाड़ी बाउंड होगी, कहीं नहीं जाएगी। सासू माँ, गाड़ी के कागज वागज नहीं है मेरे पास, और ये बाउंड होने की बात ना तो देखती हूँ किसके बाप में इतनी हिम्मत है जो गुलाबों की गाड़ी बाउंड करे। चुप, मुझे धमकी दे रही है, वो भी ऑन ड्यूटी एक पुलिस ऑफिसर को। बड़ी आई है किसके बाप की हिम्मत है गाड़ी बाउंड करने की? तुम्हारे ना हाथ पैर तोड़ दूंगी अंदर ले जाके, समझे? बिगड़े लड़की। अरे सासू माँ, क्या पुलिस वाला लगा रखा है? क्या पुलिस वाले इंसान नहीं होते क्या? अब जाने दो ना मुझे बर्थडे पे। हाँ होते हैं, पर हमारा भी फर्ज है कि हम चेक करें कौन कहाँ जा रहा है और क्या ले जा रहा है, समझी? एक मिनट रुको, अरे एक पैग मारने दो आपके लिए ना। हे भगवान, पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हैं धरती पे। हाँ अब सुनो, देखो सासू माँ, मेरे पास गाड़ी के कोई कागज वागज नहीं है, समझ गए आप? हम दोनों मियाँ बीवी जा रहे हैं बर्थडे पार्टी पे, और हमारा ना मूड खराब मत करो आप। आपका तो 24 घंटे ही रहता है। चुप, अगर एक शब्द और निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अरे सासू डार्लिंग, हाथ मत लगाओ मुझे। आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। शर्म नाम की चीज नहीं है। मम्मी जी, जाने दो ना हमको। जो मेरी गुलाबो है ना, इसकी फ्रेंड का हैप्पी बर्थडे है, और हम अच्छी अच्छी ब्रांड की विस्की, स्कॉच, और मेरे को तो पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड लेके जा रहे हैं। वो नाराज हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे हम। हाँ मैडम जी, ये ऐसे नहीं मानेंगे, दो चार और खींच के लगाओ। क्यों मारती है भाई? चुप, बेशरम, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अरे सासू डार्लिंग, कहा था ना आपको कि इनसे क्या बात कर रही हो? इनकी इंचार्ज तो मैं हूँ, मैं मुझसे बात करो आप। अच्छा तू इसकी इंचार्ज, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है बोलने की? अरे बोला क्या है, सही तो बोल रही है, मेरी सहेलियों की बर्थडे पार्टी है, अगर हम टाइम पे नहीं पहुँचे तो वो नाराज हो जाएंगी। हो जाएगी नाराज, खुद तो हुई है बिगड़ी हुई, इसे भी बिगाड़ेगी अपने साथ रख रख के। देखो सासू डार्लिंग, सहेलियों की बर्थडे पार्टी पे जाने से कोई बिगड़ता थोड़ी ना, वो तो अच्छी बात है। अब भी तो जाती ना अपनी फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी पे। अगर तुम्हारे माँ बाप कुछ सिखा देते ना तो ये आज दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। अरे माँ जी जाने दो, लेट हो रहे हैं, वो बैठी रहेंगी बेचारी इसकी फ्रेंड। बताओ तुझे। अरे मेरे को बोलेगी जीजा जी लेट क्यों हो गए? ओफो सासू डार्लिंग, हर वक्त क्या हमेशा आपका डंडा ही बात करता है, जाने दो ना। हाँ तो चली जाना, पर पहले अपनी गाड़ी के कागज निकालो फिर चले जाना जहाँ जाना है। मम्मी जी आपको तो पता ही है ना, गाड़ी के कागज नहीं है, आपके आशीर्वाद से ये दो नंबर नहीं चल रही है। अरे माँ जी बाइबल मारते क्यों है? बदतमीज, मुझे बदनाम करता है, मुझे सब पता है, गाड़ी के कागज है, बाहर निकालो वरना गाड़ी बाउंड होगी। अरे मेरे क्या पता, गुलाबो से पूछ। अरे सासू डार्लिंग, कितनी बार का है कि इंचार्ज में हूँ, मुझसे बात करो आप। जब देखो आपका हाथ इन पे उठता रहता है, उठता रहता है, उठता रहता है। तू किस चीज की इंचार्ज है? इंचार्ज हूँ मैं, इंचार्ज हूँ। अपने जो ये भूत सवार है ना इस नशे का, इसे सुधार कर लो,
वरना बहुत पछताओगे एक दिन। अरे सासू माँ, आपको मेरी दारू से प्रॉब्लम क्या है? मुझसे दूर रखो। बदतमीज, आप एक बात बताओ, हमें जाने दोगी या नहीं? कहीं भी चले जाना, पहले अपनी गाड़ी के कागज दिखाओ, उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ जाओ। गाड़ी के कागज नहीं दिखाए ना तो तुम्हारी गाड़ी बाउंड होगी, समझी? ओफो सासू डार्लिंग, आपको तो पता है ना कि ये गाड़ी मुझे मेरे दहेज में मिली थी मेरे पापा से, तो गाड़ी के कागज हमारे पास थोड़ी ना है, वो तो मेरे पापा के पास है। हाँ तो पापा की परी बिगड़ी हुई अपने पापा से कागज लेके आती, किसने बोला था अपने पापा के पास छोड़ने को? लेके आओ, फिर जहाँ जी करे वहाँ लेके जाना। देखो सासू माँ, जब तक गाड़ी के कागज मैं मंगवाऊंगी ना, तब तक तो रात हो जाएगी और मेरी सहेली का बर्थडे है, वो पार्टी भी खत्म हो जाएगी, हमें जाने दो ना। मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी ड्यूटी से मतलब है, समझी? एक मिनट रुको, आप पहले पैग मार। माँ जी, आपके होते हुए हमें गाड़ी के कागज की जरूरत ही नहीं, फोन लगा दूंगा तेरे किसी रोका तो। मैडम जी, देख रहा हूँ मैं कितनी शराब है गाड़ी में। देखो होल्डर। देखो सासू डार्लिंग, हमें पार्टी के लिए ना देर हो रही है, मैं आपसे लास्ट बार पूछ रही हूँ कि आप हमें जाने दोगे या नहीं? यस और नो? नहीं 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 नहीं। तो फिर ठीक है सासू माँ, अगर आपकी नो है ना तो आप कर लो हमारी गाड़ी बाउंड। बॉडीगार्ड। हाँ जी गुलाब, बोलो। जाओ गाड़ी में वो रखी है ना अपनी, गिफ्ट सहेलियों को देना है, जाओ लेके आओ। विस्की जी। हाँ हाँ समझा करो। अभी आया, अभी। ये भी एक नंबर का बेशरम है होल्डर, मैं तो परेशान हो गई हूँ ऐसी औलाद से। ये ऐसे मानने वाली नहीं है मैम, मैंने पहला भी कहा था आपको। अरे हवलदार, तू चुप क्या कर, बीच में मत बोला कर। खबरदार, जो होल्डर को एक लफ्ज भी बोला तो समझी। अच्छा सासू माँ, हवलदार से इतना प्यार और सासू। बदतमीज, चल गुलाबो। अगर एक शब्द और निकाला ना अपनी गंदी जुबान से। चल गुलाबो। ये लो सासू माँ, रखो इसे, बेच देना कबाड़ में, 5 रुपए की बिकेगी। चलो जी पार्टी में। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो आपने देखी है, वीडियो मनोरंजन के लिए बनाई गई है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। और एक और खास बात कि इसमें जो मैंने शराबी का करेक्टर प्ले किया है, जिसमें मैं शराब पी रही हूँ, कृपया शराब का सेवन ना करें, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।